परवा सजनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी और आज एक नए टॉपिक के साथ में आया हूं मैं आज, जिसका शीर्षक है मूल निवास भू कानून और अस्थाई निवास, जिसमें ये बात आएगी क्योंकि आजकल ये भू कानून और मूल निवास ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है जिसमें काफ़ी आवाज़ उठ रही है उत्तराखंड में लोगों की। तो अभी भी 29 तारीख को सितंबर 2024 में ऋषिकेश में काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे। भू कानून और मूल निवास ये जो आजकल ज्वलंत मुद्दे हैं, आजकल उत्तराखंड में चल रहे हैं, जिसके ऊपर आंदोलन हो रहा और काफ़ी संघर्ष समिति भी इसके ऊपर है, काम कर रही है। भू कानून और मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति तो ये भी काम कर रही है इसके ऊपर और काफ़ी ज़ोर शोर से लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो काफ़ी अभी आंदोलन के रूप इसने बड़ा ले लिया है। तो इसका मेन जो रीजन है इसके पीछे एक्चुअली मूल निवास क्या चीज़ है और अस्थाई निवास, इसमें भी थोड़ा काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्सी हो रखी है। एक्चुअली मूल निवास क्या है? मूल निवास ये है कि जो प्रेसिडेंशियल रूल 1950 का था, जो 6 सितंबर 2050 का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर्स है उसके हिसाब से मूल निवास उसके हिसाब से है कि उस दिन जो इंडिया में था उसको जहाँ पर था वहाँ उसका मूल निवास होगा। और अस्थाई निवास का जो मुद्दा है, वो अस्थाई निवास का क्या हुआ कि जब हमारा उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को, तो वहाँ पे एक नियम बनाया कि जो 15 साल पहले, जो उत्तराखंड बनने से पहले 15 साल पहले जो जहाँ पे निवास कर रहा होगा उसको वहाँ का अस्थाई निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका यूज़ किया किसके सरकारी नौकरी या किसी प्रकार की सुविधा को पाने के लिए उसको अस्थाई के तौर पर जो उत्तराखंड का निवासी माना जाएगा, और उसके बेस पे उसके जो आरक्षण या फिर सेवाएं जो भी लेनी होगी नौकरी वो उसके बेस पे मिल जाएगी अस्थाई निवास प्रमाण पत्र के हिसाब से। तो अब ये हो गया मूल निवास में और अस्थाई निवास में विदेश मतलब जिसका अंतर था, क्या क्या इसके परिभाषाएं क्या है और इसमें अंतर क्या है, मूल अंतर ये था। इसके बाद जो मूल निवास है, जो मूल निवास के जो आजकल संघर्ष समितियाँ क्या बोल रहे हैं, उत्तराखंड के लोग क्या बोल रहे हैं कि जब ऑलरेडी मूल निवास 1950 से ऑलरेडी मूल निवास है तो ये अस्थाई निवास की क्यों जरूरत पड़ गई। तो अस्थाई निवास की जगह इससे पड़ गई कि उन्होंने कहा कि जो भारत जो उत्तराखंड बनने से थोड़े दिन पहले या फिर बाद में जो वहाँ पे उत्तराखंड में आए तो उन लोगों ने अपना अस्थाई निवास होने की वजह से नौकरियाँ आरक्षण वगैरह वगैरह जो बाहर स्टेट से भी आए तो वो यहाँ का मूल निवास होने की वजह से वो जो उत्तराखंड के वासियों का जो आरक्षण या फिर नौकरियां थी वो उन लोगों ने ले लिए। मूल निवास और अस्थाई निवास का ये भी जो मुद्दा आजकल जो आंदोलन का रूप ले रहा है इसकी वजह से ले रहा है, क्योंकि जो उत्तराखंड है ये है हिमालयी राज्य है, हिमालय के क्षेत्र में आने वाला राज्य है और इनको एक जो हिमालय के भारत है, जो हिमालय के क्षेत्र के जो राज्य हैं, जो 13 राज्य हैं उन पर एक स्पेशल स्टेटस है कि ये राज्य जो अपने हिसाब से अपने संस्कृति को या फिर अपने संरक्षण के लिए नियम वगैरह बना सकते हैं। तो इसमें लेकिन उत्तराखंड में ये नियम नहीं बनाता। इसी की तर्ज पे 1971 में जब हिमाचल प्रदेश अलग बना था तो वहाँ पे जो पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर YS परमार जी, उन्होंने 1972 में बहुत सख्त भू कानून वहाँ पे लाए थे हिमाचल प्रदेश में, जिसकी वजह से आज तक भी वहाँ पर कोई भी भारी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। तो इसी वजह से फिर 2000 में जब हमारा उत्तराखंड बना था तो उसके लिए फिर जब उस टाइम के जो 2003 में नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक अध्यादेश लाए थे उत्तराचल उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का उनने संशोधन किया था, जिसको यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड रिफॉर्म एक्ट 1950 हुआ था। और ये इसमें उन्होंने क्या दिया था कि 500 स्क्वायर मीटर बाहर का लोग जमीन खरीद सकते हैं उत्तराखंड में। और इसके साथ साथ जब इसमें कुछ बहुत सारे अध्यादेशों का फिर बाढ़ आई और आगे वाले मुख्यमंत्रियों ने भी इसके अमेंडमेंट संशोधन करते रहे, 2007-08 में खंडूरी जी सरकार ने इसको जो 500 वर्ग मीटर था जगह उसको उन्होंने घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया कि
आदमी भारी आदमी 300 वर्ग मीटर की जमीन वो आवासीय भूमि के लिए ले सकता है। तो 2003 में नारायण दत्त तिवारी जी के बाद तो फिर जो भी मुख्यमंत्री बने उन्होंने इसका जो अधिनियम था अध्यादेश लाते रहे और इसको और जो कमजोर करते रहे, जो हमारा भू कानून था मतलब जमीन खरीदने की जो प्रक्रिया होती थी। और फिर 1917 में जो 18 में त्रिवेंद्र की सरकार ने उसको जो भूमि थी 500-250 वर्ग वाला ये भी उन्होंने वो भी सीमा समाप्त कर दी। इसका मतलब ये था कि अब बाहर का आदमी कितनी भी जमीन ले सकता है। तो जो पहले 500 फिर 250 वर्ग मीटर थी उसके बाद ये भी उन्होंने जमीन लेने के वाला जो अध्यादेश था वो भी समाप्त कर दिया। और उसके बाद तो फिर जमीन बहुत बुरी तरह बाहर के लोग खरीदने लग गए। और फिर ये कि भू कानून वाला जो लोगों ने समझा कि ये तो अगर बाहर के लोग अगर इतनी जमीन अगर पहाड़ी क्षेत्रों में इतनी खरीद देंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम तो इनके मजदूर बन रह के रह जाएंगे और ये मालिक बन जाएंगे हमारे जमीनों के। और 2008 में जो 250 वर्ग मीटर की जो आवासीय जमीन थी वो भी वो 2007-08 में वो 250 वर्ग मीटर कर दी। और उसके बाद 2017-18 में जो त्रिवेंद्र सरकार में जो पहले अमेंडमेंट था कि 12.5 एकड़ जमीन कोई उद्योग क्षेत्र के लिए उद्योग कारखाने वगैरह लगाने के लिए ले सकते थे तो वो भी जमीन उन्होंने 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने वो नियम भी अध्यादेश लाकर खत्म कर दिया। इसका मतलब ये था कि पहाड़ी लोगों के लिए अब जमीन खरीदना सरल हो गया था। तो इसकी वजह से क्या है कि जो पहाड़ी राज्य में हिमालय राज्य उत्तराखंड आता है इसकी थोड़ा अलग से वेरिएशन अलग से आता है क्योंकि ये दूसरे राज्यों की तरह जैसे कई भारत के संविधान के हिसाब से कोई आदमी कहीं भी जमीन ले सकता है, ये पहाड़ी राज्य होने की वजह से इसमें थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसकी जो पहाड़ी राज्य है हिमालयी राज्य है इसकी जो जोत भूमियाँ बहुत कम है। जो 1960 में जो जमीन का माप जोखा जो हुआ था उसके हिसाब से भी उसके बाद भी अभी तक कोई उसका मेजरमेंट हुआ नहीं है लैंड का, तो उसके हिसाब से सिर्फ 14% ही जो भूमि हमारी जो है एग्रीकल्चर लैंड है जिसको कृषि योग्य भूमि बोलते हैं। और उसमें भी ये लोग अगर बाहर के लोग आके अगर खरीद लेंगे तो हमारे जो वहाँ पे स्थानीय लोग होंगे जो उत्तराखंडी लोग होंगे वो तो इनके मजदूर बनकर रह जाएंगे। इसलिए भू कानून जरूरी है ताकि हमारा स्वामित्व रहे उसमें मालिकाना हक जो है उत्तराखंडियों का ही रहे। तो इसलिए ये भू कानून का जो जो विद्वान लोग हैं जो ये इस बारे में सोच रहे हैं तो इसी के बारे में बात करें कि हमारा भू कानून होना चाहिए। और जो मूल निवास है वो तो मैंने आपको बता दिया मूल निवास और अस्थाई निवास के बारे में कि भाई मूल निवास तो ऑलरेडी जब इसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रूल है कि 1950 का मूल निवास है तो उस चीज़ को ही नौकरियों में पकड़ा जाए ताकि जो बाद में अस्थाई निवास वाले आए तो वो उस दायरे में ना आए। ये संघर्ष समिति का कहना है और लोग इसका साथ दे रहे हैं ताकि उत्तराखंड के लोगों के लिए जो व्यवसाय आरक्षण नौकरी वगैरह है तो वो उनको प्राथमिकता से मिल जाए। तो यही था आज का हमारा टॉपिक कि भू कानून और मूल निवास। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड। थैंक यू।